हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बनाऊंगी पर्स, हैंड पर्स। तो हैंड पर्स बनाने के लिए मैंने लिया है, इसकी लंबाई 10 इंच। लंबाई तो ज़्यादा है पर मैं इसको 10 इंच रखूँगी, 10 से 11 इंच। 11 इंच में इसकी लंबाई रख रही हूँ। बाकी यहाँ से मैं कट कर दूंगी, इतना मैं सिलाई मार के दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, नीचे मैं जीन्स के कपड़ा ली हूँ और ऊपर से ये ली हूँ। तो नीचे मैं लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ, इसलिए सिर्फ मैं जीन्स के कपड़े लगा रही हूँ। तो इस पर मैं धागा भरूँगी, आप किसी आकार में धागा भर सकते हैं। इसमें मैं धागा भर के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने धागा भर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके बीच सेंटर से निशान लगा के कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कट कर लिया है, ये हमारा पीस अलग अलग हो गए हैं। ये हमारा पीस हो गया 5.5 इंच का ये और 5.5 इंच का ये। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर मैं चैन ली हूँ, चैन लगाऊंगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई मार लिया है। अब मैं इसको इस तरह करूँगी, बैठने वाली सिलाई मारूँगी। तो मेरे पास एक लेस है, अब मैं फिनिशिंग देते समय इस पर ये लेस लगाऊंगी इस तरह। इसमें मैं बैठने वाली सिलाई मारूंगी, इसी के साथ मैं लेस लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई मार लिया है और मैंने लेस भी लगा लिया है। जो हमारा दूसरा पीस है हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह, इसके ऊपर हम रखेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिलाई मार लूँगी इस पर, जिस तरह मैं इस पर लेस, अभी बताती हूँ आपको जिस तरह मैंने इस पर लेस लगाया और इस पर भी लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई मार दिया है, इस तरह मैंने करके मारा है। अब मैं इसको सीधा करती हूँ, इस पर भी मैं बैठने वाली सिलाई मारूंगी जैसे कि मैंने इस पर मारा। तो इसी के साथ मैं इस पर भी इस तरह लेस लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह लेस लगाऊंगी इस पर जैसे मैंने इधर लगाया। तो फ्रेंड्स, लेस मार लगा के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एक मेरे पास लेस हो रहा है तो मैं इसके ऊपर इस तरह रख के लगाऊंगी, इधर भी और इधर भी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लेस लगा लिया है और एक चैन मैंने और रखा है ये, तो मैं इधर लगाऊंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई मारूंगी। जैसे मैंने इस पे लेस लगाया इसी तरह मैं इधर लगाऊंगी। अभी दिखाती हूँ आपको, ये सीधा रखूँगी और चैन मैं उल्टा रखूँगी, ये भी सीधा, इधर से चैन सीधा और इधर से उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई मार लिया है, जैसे कि मैं इस पर भी इस तरह सिलाई मारूंगी। ये लेस को मैं इस तरह रखूंगी इस तरह, इसी के साथ मैं सिलाई मार लूंगी बैठने वाली सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चैन इधर भी लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं इस तरह रखूंगी और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिलाई मारूंगी। इसको मैं फोल्ड कर दी, ये अंदर, ये उल्टा, ये सीधा और ये उल्टा। तो मैं इस पर सिलाई मारती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई मार दिया है। अब मैं यहाँ से इसको खोल दूंगी, लरन बाहर निकाल दूंगी मैं इसको। तो जैसे कि मैंने इधर किया और इधर भी मैं करूँगी, इस पर फिनिशिंग देते हुए इस पर मैं लेस लगा लूँगी इस तरह, सिलाई मार लूँगी यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ मैंने चैन लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पलटूँगी। एक इसके लिए मैंने लाइनिंग तैयार किया हुआ है, तो लाइनिंग तैयार करने के लिए मैंने ये दोनों तरफ सिलाई मार दिया है। इधर भी मोड़ के इस तरह मोड़ के सिलाई मार दिया है, इधर भी और इधर भी। तो मैं अब इसका बीच सेंटर का निशान लगाऊंगी, जैसे कि ये
3 इंच इधर से मैं निशान लगाऊंगी और 3 इंच इधर से। ये लाइन क्रॉस कर दूंगी इसमें। अब मैं ये लाइनिंग के कपड़े रखूंगी इसके ऊपर इस तरह। मैं यहाँ सिलाई मार दूंगी और यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने जोड़ लिया है। अब मैं क्या करूँगी इसको उल्टा करूँगी। ये जो लरन मैंने निकाला था इसको इसमें पहनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें लरन पहना दिया है। अब इसको मैं सीधा रखूँगा। आप सीधे भी रख के इसमें लरन पहना सकते हो। मैं इसको सीधा करूँगी। देखिए फ्रेंड्स ये लरन लगाने के बाद मेरा इस तरह आएगा। तो मैं इसको इस तरह रखूँगा इस तरह रखने के बाद मैं इसमें पहले तो एक मैं इसमें लटकन लगाऊंगी। तो इसको मैं इस तरह करके सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो मैं इस तरह कर रही हूँ बीच ये जो दूसरा चैन है इसका मैं सेंटर लेके यहाँ से मैं लगाऊंगी पाइपिंग। पाइपिंग लगाते समय ये जो मैंने लटकन लगाया है इसको यहाँ रखूँगी। इसकी लटकन की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई लिया है मैंने 9 इंच एंड चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच। तो इसको मैं इसी तरह लगाऊंगी। यहाँ से पहले मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाते हुए मैं इसमें इसको इधर रखूंगी सीधा। फिर यहाँ से पाइपिंग इसके ऊपर से लगाते हुए आ रही हैं। दिखाती हूँ आपको मैं इस तरह। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने एक तरफ पाइपिंग लगा लिया है। तो मैं इसको इस तरह मोड़ूंगी और ये हमारा सीधा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे मैं इस तरह लगाई इसी तरह मैं इधर भी लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बैग तैयार होकर कुछ इस तरह दिखेगा। इसमें ये पॉकेट बना है ये इस तरह। एक पॉकेट इधर बना है और एक पॉकेट इधर बना है। इसमें जैसे बच्चे पेंसिल वगैरह रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड कितना सुंदर लग रहा है ये इस तरह। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और आप इस फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।